हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक पैनो सर्किट्स। ओके, दिस इज़ माय इलेक्ट्रॉनिक पैनो सर्किट्स। ये आज हम बनाना सीखेंगे। इसमें कौन सा कंपोनेंट्स यूज हुआ है और कौन से कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शंस है, ये हम लोग सब सीखेंगे इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो मेन कंपोनेंट्स है वो है आईसी। ये आईसी है, टाइमर आईसी। ओके, IC555। तो IC555 हम लोग इसको सीखेंगे बनाना। तो IC555 में क्या होता है, ये IC555 है, देखो IC555। ओके, ये IC का मेन फंक्शन है कि जो भी सिग्नल्स आएगा उसको टाइम के अकॉर्डिंग पास करना। ओके, तो इसमें टोटल 4 पिन्स हैं। इसमें टोटल कितना पिन है, 4। पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, ये टोटल 4 पिन्स है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे ये पिन नंबर 5, 6, 7, 8, टोटल पिन कितना हो गया, 8 पिन्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम्स मैं यहाँ पे डिजाइन करूँगा, यहाँ पे कि कैसे इसको डिजाइन करते हैं। अभी देखो, ये जो अपना नोच है यहाँ पे दिखेगा, ये नोच से, ये नोच मीन्स दिस इज़ द पिन नंबर 1। ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है पिन नंबर 1। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको इंसर्ट करता हूँ मैं। ये मैंने इंसर्ट किया। ओके, ये मेरा टाइमर आई, ये देखो आईसी लगा दिया यहाँ पे ब्रेडबोर्ड में। अभी पिन नंबर 1 में मैं क्या करूँगा, ग्राउंड कनेक्ट करना है। ओके, अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम पिन नंबर 1 इज़ कनेक्टेड टू GND, -9 वोल्ट। ओके, -9 वोल्ट। तो इसका कनेक्शन मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट यहाँ पे करूँगा। ओके, ये मेरा कनेक्शन हो गया नेगेटिव का। फिर उसके बाद में ये एक पॉजिटिव का कनेक्शन। ये मेरा सेकंड जो ये वाला वायर है, ये पिन नंबर 8, ये पिन नंबर 8, जो पिन नंबर 8 का कनेक्शंस मैं डायरेक्टली यहाँ पे करता हूँ। ये पिन नंबर 8 का, मेरा पिन नंबर 8 का कनेक्शन हो गया। ओके, पिन नंबर 8 का कनेक्शन किया मैंने पॉजिटिव में +9 वोल्ट में। अभी इसके बाद में जो कैपेसिटर है, 100 नैनोफेरेड कैपेसिटर, तो 100 नैनोफेरेड का, ये 100 नैनोफेरेड का कैपेसिटर है। ओके, ये देखो 100 नैनोफेरेड कैपेसिटर, इसको मैं यूज करूँगा पिन नंबर 2। पिन नंबर 2 से कनेक्ट करूँगा डायरेक्टली ग्राउंड में। ओके, ये मैंने ये यहाँ पे ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। पिन नंबर 2 से जो कनेक्शन है मेरा ग्राउंड में आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पे कनेक्शन करता हूँ। ये यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू सर्किट डाइग्राम 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है ये। दिस इज़ माई 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स। ओके, ये देखो यहाँ पे दिखा है 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर और 50 वोल्ट। तो इसका जो पॉजिटिव लैग है, इसमें देखो ये पॉजिटिव लैग्स, ये मैं करूँगा कनेक्ट पिन नंबर 3 में। ये मेरा यहाँ पे पिन नंबर 3, ये रहा, दिस इज़ माई पिन नंबर 3, इसका कनेक्शन यहाँ पे हो गया। ओके, इसके बाद मुझे यहाँ पे स्पीकर कनेक्ट करना है। अभी ये स्पीकर का एक टर्मिनल है वो करूँगा निगेटिव टर्मिनल के साथ में, जो कैपेसिटर का निगेटिव टर्मिनल एंड -9 वोल्ट, ये यहाँ पे कनेक्शन हो गया इसका। ओके, अभी मेरा ये कनेक्शन यहाँ पे पूरा फुल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मेरा जो कनेक्शन है यहाँ पे पेंडिंग, ये है यहाँ पे लिंक का जो पिन नंबर 4 to 8, इसको शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे लिंक कनेक्ट करता हूँ पिन नंबर, ये मैंने क्या किया पिन नंबर 4 एंड दिस इज़ माय पिन नंबर 8, ये मैंने ये शॉर्टिंग कर दिया यहाँ पे। देखो पिन नंबर 4 to पिन नंबर 8, ये मेरा कनेक्शन हो गया। अभी नेक्स्ट मेरा शॉर्टिंग है सेकेंड लाइन पिन नंबर 2 से लेके पिन नंबर 6, ये इसको शॉर्ट करना है। ओके, तो इसका शॉर्टिंग के लिए मैं ये मैंने वायर लिया, ये मेरा पिन नंबर 2 है। पिन नंबर 2 का कनेक्शन पिन नंबर 6 के साथ करना है। ओके, ये मेरा पिन नंबर 2 का कनेक्शन मैंने किया पिन नंबर 6 के साथ। पिन नंबर 6 माय, ये रहा, दिस इज माय पिन नंबर 6। ओके, ये पिन नंबर 6 के साथ मेरा कनेक्शन हो गया। अभी ये कंप्लीट होने के बाद में, अभी मेरा ये कनेक्शन कंप्लीट हुआ, ये भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी मैं क्या क्या करूँगा यहाँ पे, बिटवीन पिन नंबर 8 एंड 7
इसके बिटवीन में 1 किलोवाट 1 किलो ओम का रजिस्टर लगाऊंगा। कितना? 1 किलो ओम का रजिस्टर। ओके, तो ये 1 किलो ओम का रजिस्टर मेरा, ये दिस इज़ माई 1 किलो ओम रजिस्टर, मेरा ये मेरा 1 किलो ओम का रजिस्टर है। इसका कनेक्शन करता हूँ मैं पिन नंबर 8। ओके, ये मेरा पिन नंबर 8 है, और पिन नंबर 8 का है, और ये पिन नंबर 7। बिटवीन पिन नंबर 8 एंड 7, ये मेरा बिटवीन पिन नंबर 8 एंड 7 ये मैंने कनेक्शन किया, किसका? रजिस्टर का कनेक्शन हो गया। ओके, अभी यहाँ से पिन नंबर 7 से जो मुझे कनेक्ट करना है डायरेक्टली 4.7, ये कौन सा है? 4.7 किलो ओम का रजिस्टर। ओके, तो 4.7 किलो ओम का रजिस्टर मैं यूज करूँगा। ये मेरा 4.7 किलो ओम का रजिस्टर पिन नंबर 7 से, ये पिन नंबर 7 में मैंने कनेक्ट किया। ओके, दिस इज माई पिन नंबर 7, ये पिन नंबर 7 में कनेक्ट हो गया। अभी इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये कनेक्ट किया मैंने यहाँ पे। ओके, 4 किलो ओम का रजिस्टर मेरा कनेक्ट हो गया, 4.7 किलो ओम का। अभी इसके सीरीज़ में मुझे रजिस्टर लगाना है, 5 रजिस्टर लगाना है 1 किलो ओम का। ओके, तो ये 1 किलो ओम का रजिस्टर्स मैं कनेक्ट करूँगा। ये फर्स्ट रजिस्टर हो गया, ये सेकंड, ऐसा टोटल मुझे यहाँ पे ये 6 रजिस्टर लगाना है इंक्लूडिंग 4.7 किलो ओम। ओके, एक ये रजिस्टर लग गया, एक ये रजिस्टर लगा दिया। नेक्स्ट, ये रजिस्टर लगा दिया, लास्ट वन, ये टोटल मेरा कनेक्शन यहाँ पे रजिस्टर का कंप्लीट हो गया, रजिस्टेंस का। ओके, ये टोटल रजिस्टर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अभी नेक्स्ट मेरा मैं लगाऊंगा पुश बटन। ये देखो, पुश बटन का यहाँ पे जो कनेक्शन है, ये पुश बटन इसका शॉर्टिंग है। ओके, ये यहाँ पे देखो, ये पिन है, टोटल इसमें 4 पिन्स है, ये पिन और ये पिन कनेक्टेड है, और ये वाला पिन और ये कनेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन दूंगा यहाँ पे। ये कनेक्टेड नहीं है इंटरनली, इंटरनली ये दोनों कनेक्टेड है। ओके, तो इसका कनेक्शन मैं ये देखो यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। जो लाइन में मेरा रजिस्टर कनेक्टेड है, वो रजिस्टर के साथ में मुझे पुश बटन को कनेक्ट करना है। ये देखो रजिस्टर, ये रजिस्टर के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया पुश बटन का। ओके, सेम ऐसे ही रजिस्टर, जो रजिस्टेंस का जो वायर है उसके साथ मुझे कनेक्ट करना है। ओके, ये सेकेंड हो गया, थर्ड, ये मेरा यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया। ओके, ये मेरा कनेक्शन हो गया यहाँ पे, और फिर उसके बाद में यहाँ पे मेरा ये लास्ट वाला पुश बटन है, इसका कनेक्शन भी कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, ये मेरा पुश बटन का कनेक्शन कंप्लीट किया मैंने। अभी मेरा ये इसके बाद में जो मेरा ये कनेक्शन पेंडिंग है, कौन सा? यहाँ पे जो पुश बटन से सेकंड टर्मिनल है, इसका कनेक्शन मैं कंप्लीट करता हूँ। ओके, इसका कनेक्शन मुझे शॉर्ट लिंक, इसको मतलब शॉर्टिंग करना है। ये देखो, ये कनेक्शन कैसा है, यहाँ से जो सेकेंड टर्मिनल है पुश बटन का, सेकेंड टर्मिनल। ओके, तो पुश बटन का सेकेंड टर्मिनल के साथ में यहाँ पे सेकेंड टर्मिनल कनेक्ट करना है। ओके, सेकेंड टू सेकेंड, ये हो गया। नेक्स्ट, ये सेकेंड टू सेकेंड कनेक्शन। ओके, ये कनेक्शन हो गया।
ये कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब ये तो वही है, यहाँ से मैंने इस कनेक्शन कंप्लीट किया है। और इसका जो पिन, अभी तो ये जो शॉर्ट लिंक आया है, ये लिंक का कनेक्शन डायरेक्टली कहाँ पे गया है? ये डायरेक्टली मेरा कनेक्शन है पिन नंबर 6 के इधर। ओके, तो पिन नंबर 6 से मुझे कनेक्ट करना है। मेरा पिन नंबर 6 कौन सा है? दिस इज़ माई पिन नंबर 6, ये देखो। ओके, ये मेरा पिन नंबर 6 के साथ मेरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसका आउटपुट चेक करूँगा। ये 9 वोल्ट प्लस है, दिस इज़ माय प्लस 9 वोल्ट एंड दिस इज़ माइनस 9 वोल्ट। ओके, 9 माइनस, तो माइनस का कनेक्शन ये माइनस में किया, और जो प्लस का कनेक्शन ये प्लस में किया। ओके, ये मेरा प्लस वायर है और ये पैनो सर्किट्स। ओके, अभी मैं यहाँ पे इनपुट देखता हूँ। ओके, इनपुट इसका मैं चेक कर रहा हूँ। ये देखो इसका जो आउटपुट कैसा है यहाँ पे, ये देखो इसको मैं प्रेस किया पुश बटन, तो इसका देखो ट्यूनिंग चेंज है। ओके, ये सेकेंड, ये मेरा पेनो है, इलेक्ट्रॉनिक्स पेनो सर्किट। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक पेनो सर्किट्स है, और इस ये प्रोजेक्ट से हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं, और भी डिजाइनिंग कर सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट्स। और ये प्रोजेक्ट्स का जो भी आपको कुछ डाउट्स रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।